केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा दुख का विषय है इतनी पुरानी पार्टी को चलाने के लिए लेना पड़ रहा है एजेंसी का सहारा। खबर चंदौली से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉकों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में जिले के नियंताबाद ब्लॉक पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मुगलसराय से भाजपा विधायक रमेश जायसवाल, जिलाधिकारी संजीव सिंह ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान ब्लॉक परिसर में ही विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका मंत्रियों और जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा और तीसरे मोर्चे पर खुलकर अपनी राय रखी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में प्रशांत कुमार की एंट्री पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, कौन अपनी पार्टी में किसको एंट्री कराता है ये उसका विषय है, दुख का विषय ये है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी को एजेंसी हायर करके पार्टी चलानी पड़ रही है, अपने आप में एक शोचनीय विषय है। राजस्थान के अलवर में 300 वर्ष पुराने मंदिर को गिराए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने जवाब देते हुए कहा, इसमें जो कानून सम्मत कदम होगा भाजपा उसके साथ है। वहीं शिवपाल यादव, आजम खान की मुलाकात और तीसरे मोर्चे के यूपी में गठन के अंदेशे पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, राजनीति में अनेकों अनेक संभावनाएं होती हैं, यह सब विषय भविष्य के गर्भ में है। आपके दिशा निर्देश में एक बृहद स्वास्थ्य मेला हर प्रत्येक विकास खंड पर आयोजित किया जाए, जिसमें 18 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुभारंभ हुए हैं और आज कल नौगढ़ में आपकी उपस्थिति रही, आज नियमताबाद विकास खंड में आपकी उपस्थिति है। इन स्वास्थ्य मेलों का उद्देश्य सभी आम नागरिक को जो हमारी क्योरेबल है और संचारी रोग है उनके विषय में जागरूकता पैदा करना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना, विभिन्न सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ, उनकी जानकारी प्रदान करना। इसके अतिरिक्त विकलांग कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उनको UID कार्ड का बनाया जाना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाना, इसके अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्ड होल्डरों को भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त मातृत्व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम ICDS के व्यक्ति को हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच हो, सीधा लाभ हो, नागरिकों को देश को आगे ले जाने के लिए केवल सरकारी मशीनरी और केवल सरकारी सिस्टम ही पर्याप्त नहीं है, जब तक सोसाइटी समाज नहीं खड़ा होगा वो नहीं समझेगा कि हमारा देश आजाद हो गया, 75 वर्ष का सफर पूरा किया, हमें इसे दुनिया में सबसे आगे ले जाना है, इस नाते से आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर फील्ड में, ताकि लोगों को रियलिटी। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम रहा आज? हर मंडल में 18 से 23 आजादी अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक मुख्यालय पर आरोग्य मेला, स्वास्थ्य मेला का आयोजन है। अभी मैं इसमें नियमताबाद में आज शामिल हुआ हूँ, यहाँ के माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी शामिल हुए और सभी अन्य लोग। अभी कल मैं नौगढ़ में था, इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के भी, कृषि, शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास, सबकी योजनाओं का प्रदर्शन, जानकारी, जागरूकता और बहुत सी चीज़ों का पुरस्कार वितरण और पोषण अभियान के तहत माताओं को, गर्भवती माताओं, बहनों को, उनको जो है बहुओं को पोषण युक्त आहार देने की एक प्रतीक रूप से प्रक्रिया और बच्चों का अनुभव, ये सारे अभियान हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार इस रूप से काम कर रही है। मंत्री जी, कोरोना की चौथी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, सरकार की क्या तैयारी है? सरकार भरपूर तैयारी में है, सावधानी सजगता पूरी रखी जा रही है और जनता से अपील है कि वो सजगता अपनी बनाए। कांग्रेस का बेड़ा पार करने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए PK की एंट्री हुई है, कैसे देखते हैं प्रशांत कुमार की? अब कौन अपनी पार्टी में किसको एंट्री कराता है ये उसका विषय है और दुख का विषय है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी को न्यूज एजेंसी हायर करके पार्टी चलानी पड़ रही है, ये जरूर सोच। मंत्री जी, राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर, एजेंसी नहीं, एक एजेंसी हायर करनी पड़ रही है, ये अपने आप में एक सोचने की।
मंत्री जी, राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाया गया है, कांग्रेस भाजपा में विवाद चल रहा है, इस मुद्दे पे क्या करना चाहते हैं? इसमें जो कानून सम्मत कदम होगा भाजपा उसके साथ। मंत्री जी, शिवपाल और आजम खां का मिलाप बढ़ा है, देखा जा रहा है कि एक नया गठबंधन बनेगा। राजनीति में अनेक संभावनाएं होती हैं और ये सब विषय भविष्य के घर में।